वन स्टार्ट। राम राम कीजिए जय जोहार। मत चुके साल के सारे पांच हमारे खेतों पे ना के बहुत अच्छा लग रहा है। कौन कैसे लाऊं? तो भैया राम राम जी जय जोहार। सुबह के बज गए 7 और आज मैं जा रहा हूँ छाछ मांगने काकी वगैरह घर पे। गांव की बात ही कुछ अलग है। ये हमारी बाउंड्रीज को क्रॉस करके जाना पड़ता है इधर की साइड। चारों तरफ क्या धुंध बहुत ज्यादा है। ले काकी छाछ दीजो। छाछ काकी छाछ मांग आयो आज मैं। काकी क्या पढ़ा रही है? अरे वाह। तो भैया गांव की बात ही अलग है। गांव के पड़ोसी, गांव की बातें, गांव वास्तव में बहुत निराली चीज़ है। ये देखो सुबह सुबह सर्दियों के मौसम में सुबह बैठ के स्कूल का पढ़ना। अरे क्या पढ़ा रही तूने? तिरंगा झंडा, क्या बात है, गजब। 26 जनवरी आ रही है। पहले 26 जनवरी आती थी ना जब मैं भी बहुत ज़्यादा बनाता था इस तरह के झंडे स्कूल के प्रोग्रामों में भाग ले लेके। रसोई सेट कर ली काकी? काली होगी, काली करिए तो नहीं। ले ले छाछ आगे ले। फोन पकड़ थोड़ी देर। लाला से झुकेगी ज्यादा उठो। चलो 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 छाछ मांग वाले। चलो जल्दी ना छाछ मांग रहा। छाछ मांगनी पड़े यार, छाछ मांग में सका हो यार। लरी पकड़ जाओ। आटे के हाथ हो रे। तो भैया छाछ का जुगाड़ तो हो गया। आज हम बनाएंगे कराड़ा। कराड़े की सब्जी बनाएंगे, बहुत दिन हो गए। तो दोपहर को 10:30 बज चुके हैं और ये मान लो कि आज सर्दी काफी ज्यादा था इसलिए हम धूप में बैठे। मैं चुन्ना उन्ना देखो दोनों कट्टे बैठे नीचे नीचे बैठे कट्टे पे। हाँ खाना स्कूल जा वो खाना स्कूल जा रहा तू जा लग खाना तैयार हो देखू। तो ये आज आ गया भाई घर पे ही कच्ची घाणी का तेल निकालने वाला, जिसको बोलते हैं स्पेलर। ये आजकल घर बैठे ही आ जाता है हमारे घर में। तो घर पे पिलवाते हैं हम कच्ची घाणी का तेल, इसमें सरसों डालते हैं और यहीं से हमको तेल और खल दोनों मिल जाती है। ये जुगाड़ पहले दुकानों पर हुआ करता था कि दुकान पर जाना पड़ता, लेकिन आजकल एक घर घर मतलब होम डिलीवरी जैसा कुछ प्रोडक्ट शुरू किया है जो कि घर बैठे ही आ जाता है। ट्रैक्टर में शिफ्टेड होता है तो ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती, ज़्यादा माथा पच्ची वाला भी कोई सीन नहीं है। देखो आप इससे हमें ताज़ा तेल और ताज़ा देखो खल बिल्कुल निकल गए हिंट मंडी बिना कहीं गए हुए घर के घर बैठे आ गया। देख लो यार बोलू फिर रहा है। तो शाम को बज चुके 4:30 और सीन ऐसा है कि गोलू फिर रहा लेकिन गोलू पहुँचाओ नहीं आ रही। ले गोलू यार तू नहीं पहुँचो। ले पहुँच को ले मैं ही पहरू ला मैं फेर लूँ ले है ना ले 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 ये देखो रवीना भाई तोड़ने की कोशिश करी लकड़ी नीम से। लगा जोर लगा 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 ले नहीं टूटी ले 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 हमारे यहाँ जो लकड़ी फाड़ी जाती ना उसको ऐसे ही तोड़ते ले दोनों मिलकर लगाएंगे ले पकड़ 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 नहीं है दोनों बात इस पर थोड़ी एक दो तीन टूट जाओ ले टूट गई ले टूट गया तो निकाल ले। ये लकड़ी तोड़ने का गजब तरीका है। नीम के बीच में दो डालियों के बीच में और फिर उसको लगा दो जोर से लकड़ी टूट जाएगी पक्का। अब कहाँ से काटे फाड़े ये बेस्ट तरीका है। तो अभी बच चुके हैं 5:15 और ऐसा था कि बहुत दिन हो गए खेतों में गए हुए। तो काफ़ी दिनों बाद जयपुर से आया हूँ तो इसलिए खेतों को देखने के लिए पहुँच चुके। वैसे भी सरसों खैर कटने वाली है लास्ट 15 दिन के अंदर अंदर और मैं पहुंच चुका अपनी चिलर गैंग को लेके। आ जाओ जल्दी आ जाओ आ गया जल्दी आ गया
आ गया निकल जाओ। कल बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि चिलर गैंग आपको बहुत अच्छी लगती है। अच्छी नहीं लगती, ये मेरे सारे छोटे भाई हैं, तो ऐसा है कि बहुत खुशी होती है जब मैं इनके साथ होता हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपने रियल फ्रेंड्स के साथ हूँ, बेस्ट फ्रेंड्स के साथ हूँ। लेकिन मुझे पता है बचपन में जो चीज़ होती है ना आदमी के अंदर, ना कोई पाप, ना कोई छल, ना कोई उस तरीके का मन में कोई भाव, तो जो मुझे वो चीज़ मिल सके वो सिर्फ इन बच्चों के अंदर मिलती है। इसलिए मैं ज़्यादातर टाइम अपना इन बच्चों के साथ ही गुजारता हूँ। वैसे भी मोह माया वाली दुनिया, फालतू लोगों के बीच रहने से अच्छा है अपने घर के प्यारे प्यारे बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। मैं तो यही करता हूँ, बाकी आप लोगों का भी मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। हाँ मिस्टर। हाँ? अरे मित्रों कहीं घूमत जाइए आगे अंदर। अरे सब आक्रमणिया दे मत छोरा के। और ये देखो सारे के सारे ब्लॉगर बन रहे, और ये देखो नया फोन जो है पूरी पूरी यूज में ले रहे। ले कौन कौन सीख गए ब्लॉग बना वो सीख गए, बोल के दिखाई दरा बोल। राम जी जय जो है शाम के बच्चों के 5:30। अरे वाह मतलब इनकी ट्रेनिंग बहुत दिनों से चल रही है। आजकल इनके घर में जितने फोन होते हैं ना उनमें लगे रहते हैं सारे दिन की, अब ये हो गया ये हो गया। ये मेरे को लग रहा है मेरे से बहुत ज्यादा आगे निकलेंगे एक दिन, क्योंकि लगातार बढ़ाए जा रहे रेगुलर, तो काफी कुछ हो जाएगा। लो चलो अब घूम ले थोड़ा सा सरसों में। अरे इतना फोटो खींच लो, क्या बात है, खींचो फोटो। ऐसा है कि सरसों के बीच में सफेद फूल किस चीज के आ रहे हैं बाद में आप पूछोगे, इसलिए पहले बता दूं। ये भैया सेंगरी की है, एक मिनट सेंगरी तोड़ के दिखाता हूँ। तोड़ आ रही है तोड़ के देखा सेंगरी। अरे बड़ी आ रही है, नीचे देख थोड़ा सा, एक मिनट तोड़ के दिखाता हूँ। एक मिनट रखो। अरे सेंगरी तोड़ जो चले तो एक आध होता हूँ। अरे यार बड़ी तो आ रही थी यार, सेंगरी मतलब अभी तो आ नहीं रही है, आ रही है तो हमको मिल नहीं रही क्योंकि सरसों काफी अंदर है मतलब। तो ये है सेंगरी जिसको आपकी साइड से मोगरी वगैरह भी कुछ बोलते हैं, इसको गाजर, इसको क्या बोल रहे हो, बोल। तो सेंगरी के मतलब गाजर सेंगरी के, आलू सेंगरी के, उस तरह की सेंगरी बनाते हैं। बाकी बहुत सारे लोगों ने पिछली बार दिखाई थी ना, सब कह रहे थे कि मोगरी बोलते हैं हमारी शायद। बाकी आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आप क्या बोलते हो। मिल गई फाइनली। देखो ये है सेंगरी, देखो ये लंबी सी फली होती है जिसको गाजर के साथ बोलते हैं ये चीज़। अरे पेड़ में थोड़ा दूर हटा। तो ये है कुछ, तो घूम लेते थोड़ा सा, वैसे भी काफ़ी दिन हो गए यहाँ आए, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा है ना कि यार जयपुर में रहता रहते काफ़ी दिन हो गए, लेकिन सही बता रहा हूँ जो घर का सुकून होता है ना, ये मान लो इतने सारे देवी देवताओं का वो है वरदान, इसकी कोई लिमिट नहीं। मैं सही कहता हूँ जो बंदा गांव से है ना उसके लिए इस चीज़ वरदान स्वरूप है, क्योंकि गांव वाकई में आज भी धरती के लिए स्वर्ग है मेरी नज़र में। तो देखो आप खुद देखो यार, खुद महसूस करो ये सूरज का निकलना, इधर से सरसों देखो, लहरे लहरे फूल, ये 100% प्राकृतिक नज़ारे, 100% प्राकृतिक हवा, ये चीज़ें वरदान नहीं तो क्या है मेरे भाई। बाकी गेहूं भी काफ़ी बड़े हो गए शायद, ये भी देखो बाल आने लग गए गेहूं में, बाल आ चुकी है गेहूं में, और ये भी जल्दी कट जाएंगे लास्ट खींच के। ये तो शायद जनवरी फरवरी में कटते हैं, पता नहीं, जनवरी तो अभी चल ही रही है, ये शायद मार्च अप्रैल में जाके कटेंगे। और सरसों में तो लास्ट 15 दिन है, 15 दिन के अंदर सरसों कट भी जाएंगे कि देखो पूरी तरह फड़ी। अच्छा तो वो खुद पे मास्क नहीं लग रहा। राम राम जी जय जोहार, मत चुके साल के 5:30, हमारे खेतों पे ना के बहुत अच्छा लग रहा है। ये सारे के सारे यूट्यूबर बन के मारेंगे पक्का है। चलो चलते घर। अरे मतलब चलो, जब देखा तो लड़ते रहो यार। तो चलो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम जी जय जोहार।